नवसारी જિલ્લામાં લોકાર્પણ અને બુલેટ ટ્રેન સાઇટ પર કામનું નિરીક્ષણ કરવા માટે સાંસદ અને પ્રદેશ પ્રમુખ સીઆર પાટીલ મુલાકાતે આવ્યા. કાર્યક્રમમાં જિલ્લા કલેક્ટર એસપી સહિત ભાજપ સંગઠન જોડાયું હતું. મેં અમિયાંશુ દાસ, સીપીએમ કોઓર્ડિનેશન સુરત. વડોદરા સાહેબ, આપી તક જો બુલેટ ટ્રેન કા કામ હો રહા હૈ ઉસકા સાઇટ ઇન્ચાર્જ હું. आज ऑनरेबल एमपी एंड स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट सीआर पाटिल साहब आए थे हमारा प्रोजेक्ट साइट में. उन्होंने काम के बारे में पूरा मायना किया, प्रेजेंटेशन देखा, पूरा प्रोग्रेस कहाँ पे क्या हुआ है प्रोग्रेस देखें, और उनका अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है जापान बुलेट ट्रेन के बारे में वो भी हमारे साथ शेयर किया. उसमें दो चार चीज़ उन्होंने बताया कि जापान में वो जो बुलेट ट्रेन में शहर करते थे तब पानी का ग्लास रखते थे, वो उसमें भी कोई वाइब्रेशन नहीं होता था, तो हमारा जो बुलेट ट्रेन चलेगा उसमें भी उसी तरह रहेगा कि नहीं. हमने उनको एश्योरेंस दिया कि ये सभी वही टेक्नोलॉजी है, टॉलरेंसेस लेवल कम होता है तो भी वाइब्रेशन नहीं होता है, और हमारा स्ट्रक्चर्स वेरी हैवी फुल जापानीज टेक्नोलॉजी लेके ही हम काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल हमारा यहाँ पर भी उसी तरह ट्रेन चलेगा. तो प्रोग्रेस हम लोगों ने बताया साहब को कि नवसारी डिस्ट्रिक्ट में 80% सिविल वर्क कंप्लीट हो चुका है और बैलेंस 20% भी कमिंग जून तक, अभी तो जून चल रहा है, नेक्स्ट ईयर जून तक कंप्लीट हो जाएगा. दैट मीन सिविल वर्क 100% अब कमिंग जून तक हो जाएगा. अभी हमारा प्रायोरिटी सेक्शन है सूरत बिलीमुरा, इसको हम लोग 2026 तक कंप्लीट करना है. आगे सिविल वर्क का काम मोटा मोटी अच्छा चल रहा है पूरा प्रोजेक्ट में ही, उसके बाद वो शुरू होगा सिग्नलिंग और इलेक्ट्रिकल का काम. तो साहब खुश थे और हम लोग उनको धन्यवाद देता हूँ हमारा प्रोजेक्ट साइट में आने के लिए, हमको सबको एनकरेज करने के लिए धन्यवाद.